नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। फिल्म निर्माता जोया अख्तर ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाने वाली अपनी आगामी फिल्म द आर्चीज की शूटिंग सोमवार को शुरू कर दी है। नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के लिए आर्चीज कॉमिक्स के साथ साझेदारी करी है। ऐसा बताया जा रहा है कि द आर्चीज से शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर और श्वेता बच्चन नंदा के बेटे अगस्त नंदा फिल्म जगत में पदार्पण करेंगे। जोया अख्तर और लंबे समय से उनकी सहयोगी रीमा कागती अपने प्रोडक्शन हाउस टाइगर बेबी के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। रीमा कागती ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि आर्चीज की शूटिंग शुरू हो गई है, टाइगर बेबी का पहला एकल निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री से सम्मानित ओडिया भाषा के प्रख्यात संगीतकार और गायक प्रफुल्ल कार के निधन पर सोमवार को शोक जताया और कहा कि ओडिया संस्कृति और संगीत में अग्रणी योगदान के लिए उन्हें याद किया जाएगा। कार का रविवार को भुवनेश्वर में निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे और उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। मोदी ने ट्वीट में कहा कि प्रफुल्ल कार जी के निधन से बहुत दुख पहुंचा है। ओडिया संस्कृति और संगीत में अग्रणी योगदान के लिए याद किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म क्रिटिक के आर के यानी कि कमाल आर खान देशद्रोही पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। उन्होंने आज सुबह ही ट्विटर पर फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। देशद्रोही पार्ट 1 काफी विवादों में रही थी। अब जैसे ही उन्होंने देशद्रोही का पार्ट 2 बनाने का ऐलान किया है तो लोगों ने उनके मजे लेने शुरू कर दिए। आरके ने ट्विटर पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया है जिसमें वो ब्लैक कलर के ब्लेजर में, आंखों में चश्मा लगाए, हाथों में गन लेकर खड़े हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। हर ट्वीट की तरह केआरके ने इस ट्वीट पर भी यूजर्स के जमकर कमेंट्स आ रहे हैं। गौरतलब है कि केआरके की देशद्रोही पार्ट 1 साल 2008 में आई थी। कहानी को लेकर फिल्म काफी ज्यादा विवादों में रही थी, यहां तक कि फिल्म को महाराष्ट्र में बैन तक कर दिया गया था। हालांकि केआरके ने ट्वीट किया था कि उनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, तभी लोग फिल्म को लेकर अभी तक बातें कर रहे हैं। केआरके सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। सामाजिक मुद्दों से लेकर फिल्म से लेकर राजनीतिक मुद्दों पर कमाल बेबाकी से अपनी बात सामने रखते हैं, जिसके लिए उन्हें ट्रोलर्स का काफी ज्यादा सामना भी करना पड़ता है। कल रात बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी द्वारा ग्रैंड इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे नजर आए। शाहरुख खान के साथ सलमान खान ने भी इस पार्टी में शिरकत की। सभी एक से बढ़कर एक आउटफिट में पार्टी में चार चांद लगा रहे थे। पार्टी में शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, आयुष शर्मा और उनकी पत्नी अर्पिता खान को भी स्पॉट किया गया। शिल्पा शेट्टी ने ब्राइट पिंक कलर का शरारा सेट पहना था, जिसके साथ उन्होंने एक्सेसरीज में अपने आउटफिट से मैच करते हुए स्टेटमेंट इयररिंग्स पहनी हुई थी। उनके साथ उनके पति राज कुंद्रा भी पार्टी में नजर आए। सलमान खान की बहन अर्पिता खान और उनके एक्टर हस्बैंड आयुष शर्मा भी इस इफ्तार पार्टी के लिए स्टाइलिश लुक अपनाते दिखे थे। आयुष ने आइवरी रंग का कुर्ता और इसके साथ ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए थे, तो वहीं अर्पिता ने नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। इनके अलावा पार्टी में तमन्ना भाटिया, ईशा गुप्ता, आदर्श शर्मा को भी स्पॉट किया गया था। सभी सितारे शानदार आउटफिट्स में नजर आए। उर्फी जावेद, जो हमेशा ही मीडिया से घिरी रहती हैं, हाल ही में कैमरे से मुंह छिपाती हुई दिखी। सोशल मीडिया पर उर्फी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जैकेट से अपना चेहरा ढक रही हैं। वायरल बयानी ने उनका ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर किया है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। दरअसल वो मुंह इसलिए छिपाती नजर आई क्योंकि अब की बार मीडिया ने उन्हें बिना मेकअप के स्पॉट किया था। हालांकि वो बार बार मीडिया से बोल रही थी कि मुझे कवर मत करो, मेरी फोटोज क्लिक मत करो, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हो ही गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।